किच 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 किच। अबे भाई आगे ही चलना या तुम लोगों ने यहीं पे रुकना? और गाइस अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं फूलों के पास। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे। जितने भी अलग कहने में को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और गाइस आज जुम्मा है तो मेरी तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक हो गया। और यार कल जो मैंने 6-7-8 घंटे गाड़ी चलाई है ना, अभी मेरे पुर्जा जो ना पूरा पेन कर रहा है और मैं उठता हूँ फिर गिर जाता है, इतना दर्द हो रहा है। मतलब एक वीडियो के चक्कर में मैंने ऐसे में जब से गाड़ी ली है जब से क्या कभी भी मैंने कार को इतनी देर नहीं चलाया है ज़िंदगी में, इतना नहीं चलाया। तो वो कार ही कार करके ना अभी तो ये जगह ऐसा लगता है जैसे मैंने ना तो यो पूरे पाकिस्तान का टूर मारा हो ऐसा फील हो रहा है। तो मतलब बिल्कुल अजीब सा थका हुआ बीमार सा। खैर आज जुम्मा का दिन है गए तो अभी मैं लेटा हुआ था, नमाज़ पढ़ गया तो फिर मैं गिर गया था। अभी जो मेरे वाच ने बोला कि भाई जाओ बच्चों को जाकर ट्यूशन पर छोड़ के आओ, तो अभी कहता हूँ तो ट्यूशन छोड़ करता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस दादा अभी ट्यूशन जा रही है और जना सलाम नहीं करी। दादा सलाम करो। अरे यार काट दे यार, नहीं करी। हमजा आप करो। हो गया बस बस बस। क्या हुआ, ख़राब कर दिया? ये देख मैं इसको ऐसे करूँगा, बटन भी नहीं दबाऊँगा। देखा खैर अभी मैं आया हूँ हमजा और फाजा को ट्यूशन से लेने के लिए। आराम से आओ आराम से। तो यार बच्चों को लेके आ गया था, फिर इनको भूख लगी थी। तो अभी डड्डू क्या खा रहे हो? पकोड़े और हम ले थे जलेबी। कुछ तो खा लिया लेकिन सलाम नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? ठीक है आप सब? हाँ ठीक है, सही है बस। और पकोड़ा कैसे लगा डड्डू यहाँ का? अच्छा, बहुत अच्छा, सेम आपके जैसा लग रहा मकोड़ा। चल ठीक है, खा ले। सारे नहीं खाना, कुछ रखना भी सही। मिले भी होगा इसके साथ अच्छा पकोड़ा। हाँ सही है बस, सही है। गैस आपको कल से जो ना मीर दिखाई नहीं है मेरे व्लॉग में, अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको। वैसे ये शॉर्ट है मार्केट से ना, और इसके दीवाने हैं। जब तक ये नहीं था हमारी वीडियो वायरल नहीं होती। हालांकि कल हमने बहुत कोशिश की लेकिन वीडियो वायरल नहीं हुई क्योंकि उसके अंदर मीर नहीं था। मीर सलाम करो। वे माशाल्लाह भाई। बाकी यार मीर जो ना बहुत कमज़ोर हो गया, देख रहे हो इतना सब, लेकिन फिर भी अलहमदिल्ला सियात आ गया ना, बस ठीक है, बस ठीक भी हो जाएगा। मीर उठ जाओ उठ जाओ। मीर आज क्या खाया था? ये दूध पिया था? इधर आया। अच्छा दांत दिखा, दांत दिखा। ये छोटा सा चूहा है पर। चल बस अभी क्या कर रहे हो तुम दोनों? अच्छा गाय आपको पता है ये जो ना मीर भी चलाता है। एक मिनट हटो यहाँ से, हटो हटो हटो। मीर इसको चलाओ चलाओ। मीर देखना ये इसके ऊपर लेट जाएगा। चलाओ मीर अभी। दादा छोड़ नहीं कर। ये देखो ये ऐसे चलाता रहता है सारा दिन। हाँ चल ठीक है, क्योंकि इसकी वो कार टूट गई ना, उसकी कार भी यार अभी न्यू लेकर दूंगा। सैलरी आएगी ना आज या कल में, तो उसको न्यू लेकर देते हैं। चलो 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 अमीर। वी बश 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 जी। क्या हुआ? हाँ पिशी आई है, झूठ बोल रहे हो। चलो जाओ। मुझे पता है इसका ये झूठ बोलता है, झूठ नहीं बोला करो अमीर। अच्छा अच्छा सुनो, बात सुनो मीर। बेबी गाइस ये देखो, ये रूठने का तरीका सीखे अभी, बड़ा होता जा रहा है ना माशाल्लाह से, अभी रूठना भी सीखे। बेबी क्या हुआ? अच्छा सॉरी भाई। बेबी आ जाओ। बेबी 1 2 3 तो सुनाओ। 1 2 3 4 5 मीर बोलो। 1 मीर यार मीर बात क्या करो यार क्यों। अच्छा न्या भाई न्या। मीर बाहर चले घूमने चले। हाँ आप कैसे बोल रहे हैं? हाँ चल भाग यहाँ से। गैस ये अभी बन जुन के रहे जी। क्या हुआ, कपड़े पहन के हो? कहाँ जाना है? हाँ कहाँ जाना है? पिप पिप तो गई, पिप पिप तो मीर हमजा ले गया, वो सब ले गए, पिप पिप को ले गया। हाँ वो पिप पिप पे चले गए, दुआ भी चली गई, सब चले गए, भैया भी गया। आपको नहीं लेकर गए? अरे यार सारे बच्चे गए घूमने फिरने गए और ये जो ना यहीं पर रह गए। अरे यार मीर अभी आपका क्या होगा? ले चलो आपको कहीं, कहाँ ले चलूँ?
जा बाइक की चाबी ढूंढ के ला जा, जाओ जाओ बाइक की चाबी ढूंढ के लाओ। मीर कहाँ है? देखो पड़ी होगी। मैंने कह रहा हूँ मीर को कहा है, क्योंकि पहले तो मेरा प्लान था कि आज सारे बच्चों को गाड़ी पे लेके चलता हूँ। मैं गया समोसे लिए, उनके लिए मिठाई ली, सब कुछ ली। मैं बस सीवे पे चलेंगे, वो लोग वहाँ पर खेलते रहेंगे। मुझे भी उन्होंने ऐसे बोला, जैसे घर पे है तो फिर बोलते हैं हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे। तो वो घर पे खा गए, अभी जो ना डीडी के साथ सारे भागे पर, तो फिर मीर ही पीछे रह गए। अभी मैं मीर को घुमाने जा रहा हूँ। मतलब मेरे सारे बच्चों ने धन नहीं कर दिए, फिर मुझे जो ना अभी क्या बोलेगा। चलो अभी मर्जी अभी बच्चों की। कैसे समझू, कैसे मीरू कहाँ जाना है आपको? बाहर जाना है। और ये जना यहीं पर रुक गया, तो इसको अभी मैं कहीं जाता हूँ घुमा के आता हूँ। सो गाइस, मैं इनको लेके आ गया हूँ डॉल्मिन मॉल। मैंने सोचा अभी कहाँ लेके जाऊँ, और इसके साथ में देखो जैसे ऐसा लग रहा है जैसे बल्ब लगा हुआ, फुल लाइटिंग है चांद की। ये चांद है, फुल लाइट इसी को ही दे रहा है। तो अभी इसके अंदर हम लोग आ गए, अभी थोड़ी चेंजिंग की हुई इन्होंने। इस बार जना मेरे से फूलों का मौसम है, तो इधर सारे फूल वगैरह लगाए गए हैं। मीर ये क्या है भाई साहब? तो यार मैंने मीर का जना इसके साथ एक फ़ोटो लिया है, बाकी तो अभी ये इधर चला गया। और यहाँ पर आकर मीर तो फुल मस्त हो गया। मीर क्या हुआ, क्या हुआ बेबी? हाँ अच्छा लग रहा है ना, देखो कितना गाइस, ये देखो कितना प्यारे लग रहे हैं यहाँ पर ये सब। ओ भाई साहब माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लग रहा है यहाँ पर। मीर ऊपर चले, हाँ चलो ऊपर चलते। तो ये मीर क्या हो रहा है, ये क्या है, पानी है? हाँ इधर देख, अभी ये खुश है, घर ही जाएगा मेरे घर से, हाथ नहीं लगाना अंकल उठा लेगा। और गए अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं फूलों के पास ही, तो यहाँ पर देखें कैसे अच्छा लग रहा है। मीर क्या हुआ, ये तो पूरा हैरान और परेशान हुआ हुआ है। वही वो देखो मीर, बेबी भी है ये देखो बेबी। वी वही अब भाई आगे ही चलना है या तुम लोगों ने यहीं पर रुकना है? ये कब से यहीं पर रुके हुए हैं कि भाई बस इसी को देखे जा रहे हैं कि ये कैसे लगे हुए हैं, इनके लाइटें भी जा रही हैं, यही चीज़ देखे हैरान और परेशान हुए हैं। चलो आगे चलो आगे, उस साइड पर भी कुछ होगा, दूसरी साइड पर, उस साइड पे अलग डेकोरेशन करते हैं। आजा छोटी छोनी। भैया जब हम दूसरी साइड पर हैं, इस साइड पे ये क्या बने हुए भाई, इसको क्या बोलते हैं, क्या है ये? मैंने ड्रैगन बना हुआ मेरे ख्याल से, हाँ ड्रैगन बने हुए इस साइड पर, ड्रैगन है ना ये, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है ड्रैगन बने हुए हैं, हाँ ड्रैगन ही। चलो अच्छा है, जो भी अच्छा है। गाइज मेरी वाइफ बोल रही है तोता बनाओ है। तोता है थोड़ी है, अबे ड्रैगन, तोते कितने बड़े पाँव होते देख नीचे देख। हाँ ड्रैगन खूबसूरत भी होते ना, कलरफुल होते आजकल मूवीज में। तो अभी मैं इनको ड्रैगन के नीचे ले आया हूँ ताकि यहाँ से देख लें कि पूरा ड्रैगन ये, और इधर दूसरे सामान भी बहुत सारे हैं, कपड़े वगैरह ये वो। नहीं यार ये आपके काम की चीज़, बोतलें कितनी प्यारी खड़ी हुई ना। गाइज ये रहा हर्ष पप्पीज, जिसको मैं बोलता हूँ हुशी पुशी। हाँ हर्ष पप्पीज नहीं है, हुशी पुशी है ये। हाँ रहने दो, बस बेकार है ये सारे ब्रांड ही है इधर इस तरफ। फिर यहाँ पे आए तो फिर, लेकिन अभी जो ना मीर जो ना इसको बोलो नीचे उतर, नीचे उतर नहीं रहा, रोने लगता है। ये देखो ये तो फिर आए क्यों थे हमारे साथ? किची 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 किची। अच्छा आ जाओ आ जाओ, उठाता हूँ आ जाओ। नहीं उठा रहा, अच्छा आ जाओ उठा रहा हूँ भाई, आ जाओ। सब देख रहे होंगे कि क्या कर रही है यहाँ पर, उठो उठी। तो गाइस अभी मैं बाहर निकला हूँ, और यहाँ पर फूल देखें कितने प्यारे प्यारे उन्होंने लगाए हुए हैं। एक ये जगह है और आगे भी हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे फूल पड़े हुए हैं। वो ये फूल देखते देखते ना लेट हो जाएंगे हम लोग। चलो आ जाओ दिखाता हूँ, हम आ जाओ। तो भाई ज़्यादा आगे हमें अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। ये देख रहे हो इतने सारे फूल लगे, लेकिन इस साइड पर हमें अलाउ नहीं है। चलें जो है अच्छे, चलो बस बस तो बस उन्होंने अपने लिए लगाए ना, जो काम पे आते हैं, जो यहाँ पर रहते हैं उनके लिए, तुम्हारे मुफ्तों के लिए तो नहीं है यार। मीर को घुमा फिरा के अभी घर जा रहे हैं। मीर बहुत मज़े वाले, दिल करे तो मैं खा जाऊँ, खा जाऊँ, हाँ इधर खा जाऊँ हम, यम्मी मुझे खाओ, यम्मी घर चले, किसी करो पहले। वी गाइस ये देखे माशाल्लाह मीर जिन्हें शंगेती बन के है, वो मीर ऊपर देखो, अल्ले भाई साहब माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। ओए दद्दा भूतू आ रहे है, भूतू ओए, ये प्यारा लग रहा है यार। इधर इधर मीर इधर जी। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज एंड के साथ हमारे पास कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि बुरी है, बुरी वो इस वजह से कि गाइस
कल मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी, कंटेंट के तौर पे बनाई थी, वो सारी कंटेंट के तौर पे एक वीडियो बनाई थी, लेकिन भाई सुबह उठा तो मेरे पास सारे कमेंट ही अजीब व गरीब से थे। खैर ज़्यादातर कमेंट ये थे कि भाई डीडी ने आपकी बाइक क्यों चलाई, अच्छा डीडी बच्चों के साथ क्यों है, और डीडी की वाइफ आपके घर पर है, आप लोग बताते क्यों नहीं हो। तो भाई पहली बात का मैं आपको जवाब दे चलूँ तो क्या था, हाँ पहली जो मेन चीज़ है वो ये थी कि भाई क्या डीडी की वाइफ हमारे घर पर नहीं है, वो नैना और नैना लोगों के घर पर है, जो वो जहाँ पर वो रहते हैं तो उधर है, हमारे घर पर नहीं है भाई, वो आए थे वहाँ पर शिफ्ट हुए अभी फ़िलहाल, तो बाकी कोई पता नहीं है। और दूसरी बात है बच्चों की, तो भाई मैं बच्चों को क्या कर सकता हूँ, मुझे बताएं बच्चों को आप क्या बोलते हैं, रोकें मैं क्या आपको बता चलूँ कि आपा ने कितने दिन से उनको बच्चों को अपने बोली थी कि नहीं जाना, सारे बच्चों को कि नहीं जाना नहीं जाना, लेकिन उसका बाप जैसे ही है बच्चे जाके चिपक, बच्चों को आप कितना रोक सकते, मुझे ये बताएं भाई, बच्चे उनका जो दिल करते हैं वही करते हैं, अभी उनको आप जितना भी रोकोगे ना तो वो ऐसा से कमतरी का शिकार बन जाते हैं उनको, मतलब मेरे बच्चों को छोड़ दें आप, डीडी के बच्चों को ही देख रहे हैं आप, इनसे बात करो तो ये जो ना 5-6 मिनट के बाद जाके आपको रिस्पॉन्स देते हैं, मतलब ऐसे जो ना सुस्त हो गए, मतलब वो ऐसा से कमतरी का शिकार है। और मैं नहीं चाहता कि इस वजह से उनको और भी फोर्स, क्योंकि अगर वो अपने बाप के साथ जाते हैं खुश हैं तो फिर सही है ना भाई, भले ही अभी वो भी उसके बाप को सोचना चाहिए उसने जो भी किए तो वो उसके ऊपर गुनाह सवाब आएगा, मैं तो अपनी तरफ से ये चीज़ें नहीं कर सकता ना, और ना ही मेरा कोई हक बनता है ऐसे, मतलब उसको बोलो भाई तुम अपने बच्चों से ना मिलो, क्योंकि वो उसके हस्बैंड वाइफ हैं, मेरे अब्बा बोलते हैं सारे बोलते हैं कि भाई हस्बैंड वाइफ और बच्चों की लड़ाई में कभी भी नहीं जाना चाहिए, ये लोग कभी भी एक हो सकते हैं और आप गंदे हो सकते हो, तो भाई मेरा इन चीज़ों में कोई लेना देना नहीं है। बाकी बच्चों को मैं नहीं रोकता भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि बच्चे उनका जो दिल करता है वो वही करते हैं, वो जहाँ जाना चाहते हैं उनको जानते हैं, क्योंकि उनको आप रोकोगे तो कल को अपनी उनके दिमाग में क्या से क्या आ सकता है अपनी क्या, मतलब मैंने बहुत चीज़ नोट की है कि मतलब आपा ने बहुत रोका था अपने बच्चों को कि भाई नहीं जाने के, लेकिन जो ना आखिरी टाइम पे फादर थोड़ी देर जो ना दूसरे रूम में बैठी बैठी लेकिन बाद में भाग के चिपक गए, तो ये बच्चे हैं अभी इनको मतलब आप क्या क्या कह सकते हैं, इसका कोई चीज़ इसका कोई हल नहीं है, मेरे पास तो इस चीज़ का कोई हल नहीं, अगर आपके पास है तो आप बताएं, मतलब आप बोलें कि भाई उसको नहीं मिलो उसको नहीं मिलो, हाँ अगर ये बड़े होते मतलब होते कोई 15 साल 14 15 साल 16 17 साल तो फिर तो बंदा ये कह सकता है। बाकी आप लोग बोल रहे थे कि वो अपनी आपकी बाइक क्यों ले गया, भाई मेरी बाइक जो पुरानी थी वो मैंने उसको सेल की हुई थी, पहले दिन वो आया था वो उस दिन अब्बू के पास गई हुई थी, लेकर गया था तो इसलिए वो मेरी वो जो नई बाइक है वही ले गया था, उसके बाद जो है ना वही वो अपनी पुरानी बाइक लेके गया होता है, यहाँ पे आता है वो इस्तेमाल कर लेता है, तो यार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरे पास अभी मतलब गाड़ी कार है या बाइक है मैं उसको नहीं दूँ, क्योंकि यूट्यूब से आट के एक तो मेरा भाई है, सीधी सी बात है, भले जैसा भी है मतलब आपका भी भाई होगा आप खुद भी सोचेगा कभी ये चीज़, आपको मेरी बात तो वैसे फ़िलहाल तो हर किसी को बोलने की थी क्यों बोल रहे थे मेरा भाई है, लेकिन जो रियलिटी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि भाई जब मेरे पास बाइक नहीं थी तो उसकी बाइक थी, मैं उसी की बाइक यूज़ करता, जब मैं सऊदी अरब से आया था मेरे पास कुछ भी नहीं था, उसी की बाइक थी, तकरीबन 5-6 महीने में 7 महीने तक उसकी बाइक यूज़ करता रहा हूँ, और मेरे पास कार भी नहीं हुआ करती थी, वो हमेशा ड्राइवरी करता था तो वही ले आता था, उसी की गाड़ी पे घूमते थे सब कुछ करते थे, और अभी मेरे पास आ गया तो मैं उसको बोलूँ कि भाई मैं नहीं दे रहा ये है तो मैं नहीं भी दूँ ना गाइस, सीधी सी बात है वो 50-100 रुपये भर के अपनी टैक्सी करा लेगा, लेकिन जो ना क्या है कि इस चीज़ का जो ना मेरे पास कुछ भी नहीं है, और काफ़ी लोग बोलते हैं भाई आप यहाँ से घर छोड़ के चलो, भाई घर छोड़ना ये करना सब बिना बातों के लिए आसान है, मैंने भी काफ़ी बार सोचा लेकिन बहुत मुश्किल होती है ये चीज़ें, आपको घर छोड़ें, आपको सिर्फ घर नहीं छोड़ना होता, आपको यहाँ से सब कुछ मूव करना होता है, उसके अलावा बच्चों की सारी जो स्कूल वगैरह हैं वो सारे ख़त्म, फिर नए स्कूल में जाएंगे वहाँ पर टीचर अलग, इनके ट्यूशन अलग, जहाँ पे कारी साहब के पास पढ़ें वो चीज़ें अलग, तो मतलब ये इनकी स्टडी जो ना फिर से मेरे ख्याल से जीरो से शुरू हो जाएगी, भले ही ये पढ़े लिखे हों जो भी हों, क्योंकि नए स्कूल में जाएंगे और नई जगह पर, तो यार ये मतलब सोचने को मैं 1000 बार सोच चुका हूँ, कोशिश भी मैंने बहुत की है, लेकिन इन दी एंड फंस जाता हूँ कि भाई इसके ऊपर एक तो खर्चे बहुत ज़्यादा जाएंगे जब मैं घर चेंज करूँगा, क्योंकि घर चेंज करेंगे तो फिर जो है ना सारा सामान मुझे फिर से नया से लेना पड़ेगा, बच्चों के स्कूल फिर से एडमिशन, बच्चों का जो एडमिशन है ये सब कुछ नया करना पड़ेगा, तो सब कुछ बिल्कुल लग जाए, बस अभी क्या करें, अभी सिर्फ दुआ कर सकते हैं, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, जो बाकी भाई डीडी जो है जैसा है, आप लोगों को जिसको जो बोलना है आप उसको जाके बोल सकते हैं, मेरा इन चीज़ों से गाइज लेना देना कोई नहीं है, मैंने इसलिए जब ये इनकी शादी वादी तो मैंने बोला कि भाई आज के बाद मैं किसी कंट्रोवर्सी में किसी चीज़ में नहीं पढ़ूंगा, उसके बाद मैंने कोई रिएक्शन भी नहीं दिया, क्योंकि हर चीज़ का जवाब देने वाले अल्लाह की ज़ात है, हर इंसाफ करने वाला वो है, ना कि
मैं बाकी मेरे ऊपर जो है यहाँ पर आपा लोग हैं मेरी तरफ से, अगर इनको कोई मतलब मुश्किल आ रही हो आप वो मुझे बात करें कि भाई यहाँ पर इनके बच्चे होते हैं, मैं इनको कोई चीज़ ना ला कर देता हूँ, जो कुछ बोलते हैं जब देखो देखें गाइस, मैं इनको जब बोलते हैं इनको गाड़ी पे कार पे जहाँ बोलते हैं इनको लेकर चला जाता हूँ पूरी फैमिली को। हालांकि मतलब मैं तो अभी डेली इनको लेकर जाता हूँ ताकि भाई बच्चे बोर ना हो, ये ना हो, वो ना हो, तो मैं अपनी तरफ से जितनी हो सकती कोशिश करता हूँ कि भाई ये सब यहाँ पर खुश रहें जो रहें, लेकिन जब उनका बाप आता तो वो खुद बखुद वहाँ पर चले जाते हैं। और मैं जो ना इन चीज़ों से, वैसे भी मैं अभी उनके बच्चों के अपने बच्चों के उनको भी मतलब फोर्स नहीं करता था, क्योंकि उनके बच्चे तो पहले भी जो ना मुझे लगता है कि मेरे बच्चों की निस्बत उनके बच्चे बहुत स्लो हैं, वैसे भी स्लो है। आप कभी इन लोगों को कंपेरिजन करेंगे आप रियलिटी में, वीडियो में शायद आपको लगता हो बोलते भी हैं सब कुछ करते हैं, तो इनके बच्चों के साथ आप अपने बच्चे बिठा दें या हमजा मीर किसी को बिठा दें तो इनको कुछ बोलोगे तो जल्दी जवाब देंगे, बाकी दुआ और फादिया इनको देखेंगे तो ये बिल्कुल जो ना समझ ही नहीं कि क्या करें। एज के हिसाब से बात कर रहा हूँ वो इसलिए कि इनके जो माँ बाप के जो मसले रोले डले हुए उसकी वजह से मुझे लगता है कि काफ़ी जो ना ये बच्चे, क्योंकि कभी माँ गुस्से में होते कभी बाप गुस्से में होते तो वो सारा इफेक्ट जो है बच्चों पर ही पड़ता है। और जो ना वो ये जो ना अभी काफ़ी हद तक जो मिलते थोड़े से ना वो हो गए हैं, क्या बोलते हैं यार ऐसा से कम तरी, हाँ ऐसा से कम तरी बोलें या हाँ यही होता है, वही उसी का शिकार बने हुए हैं। तो बस यार अभी आपको जिसको मुझे बुरा बोलना है जो बोलना बोल सकते हैं, क्योंकि हमेशा इन सब चीज़ों में मैं ही आके जाता हूँ। अभी मैं तो खैर कुछ कर नहीं रहा, लेकिन अगर कोई मेरा मतलब खैर इन चीज़ों का कोई जवाब ही नहीं है ना ही कुछ हल है इन चीज़ों का, बाकी काफ़ी लोग बोलने को तो आप लोग बोल सकते हैं, लेकिन जो बंदा घर में रह रहा है उसके वहाँ पर रहते हुए आप सिचुएशन को समझे तो आप लोग फिर भी शायद ना समझे, क्योंकि अब आज जिसके ऊपर हो रही होती है वही समझ सकता है, दूसरा बंदा तो सिर्फ बात कर सकता है नहीं इसको यूँ कर देते यूँ होता यूँ कर देते। तो बस यही था, बाकी गाइस मिलते हैं कल एक नेक्स्ट व्लॉग में, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो भाई माजरत, क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी राय होती है, 100 बंदे हैं 100 बंदों की अलग अलग राय होती है, मतलब जैसे मैं चाहता हूँ कि ये बात ऐसा हो जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप बोलोगे ऐसा हो दूसरा बोलेगा ऐसा हो तो हर कोई अलग अलग बोलेगा, तो खैर मुझे जो जैसा लग रहा है मैं वैसे ही चल रहा हूँ। बाकी मिलते हैं कल एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।